नमस्कार, पाकशाला वाली पुष्पलता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ मीठा हो जाए तो आज हम बनाएंगे कम समय में कम चीजों से बहुत ही ज्यादा टेस्टी मिठाई, जो देखने में बाजार जैसी और खाने में बेहद स्वादिष्ट है। इस मिठाई को खाकर और देखकर कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि इसे आपने कम समय में कम इंग्रेडिएंट में घर पर बनाया है। तो चलिए इस टेस्टी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिठाई को बनाने के लिए हम कोई एक कटोरी या कप को सेट कर लेंगे और सारा माप हम उसी से लेंगे। मैंने एक और आधी कटोरी यानी डेढ़ कटोरी बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर बारीक कर लें। सूजी को हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। सूजी अच्छे से भुन जाए और उसका कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, तो हमें गलती से भी फ्लेम को हाई नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि सूजी भुनकर तैयार है, कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसे भूनने में करीब हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। धीमी आंच पर ही हम इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये बहुत जल्दी भुन जाता है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आप इस टाइम पर मिठाई में कोई और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो उसका पाउडर बनाकर या बारीक काट कर डाल सकते हैं। कोकोनट पाउडर भी भुन चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे दूध पर जमी हुई 1 कटोरी मलाई। 3 चम्मच मलाई को मैंने थोड़े से दूध में इस प्रकार से मैश कर लिया है। अब हमें इस दूध वाली मलाई को सूजी में थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाते जाना है। एक साथ इसे ना डालें, नहीं तो कहीं की सूजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और कुछ सूजी हमारी दाने वाली रह जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिलाते जाएं। गैस फ्लेम को हमें इस प्रोसेस में भी लो ही रखना है। इस मिठाई को बनाने के लिए हम घी या मावा दोनों का ही यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी मलाई दोनों का काम करेगी और मिठाई में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और घी डालने जैसी शाइन भी आएगी। मलाई डालने के बाद सूजी हल्की सॉफ्ट हो गई है, बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। मिठास के लिए अब हम इसमें शक्कर, बूरा या गुड़ नहीं डालेंगे। हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी कंडेंस मिल्क। सारी चीजों का माप हमें उसी कटोरी से या कप से लेना है जिससे हमने सूजी को लिया है। कंडेंस मिल्क भी मेरा घर पर बनाया हुआ है, इसकी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर देखिएगा। कंडेंस मिल्क आप इजीली घर पर बना सकते हैं, इसे बाजार से लाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। मिठाई को बाजार जैसा लुक देने के लिए हम डालेंगे 1/2 पिंच कलर। 1/2 पिंच ऑरेंज फूड कलर को मैंने कुछ पानी की बूंदों में घोल लिया है और इसमें मिक्स कर दिया है। कलर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें। त्योहार के टाइम पर मिठाई कलरफुल ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा सा कलर यूज कर सकते हैं। कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हमें इसकी भुनाई करनी है, और तब तक करनी है जब तक मिश्रण इकट्ठा ना होने लगे और कढ़ाई को ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं कि मिश्रण इकट्ठा होने लगा है, कढ़ाई को छोड़ दिया है। इस प्रोसेस में हमें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। गैस को ऑफ करेंगे और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के लिए हम अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। मिठाई के मिश्रण को हमें इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथों से आराम से टच कर सकें। मिश्रण के हल्के ठंडे हो जाने पर हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर को हाथों से मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर डालने से मिठाई में बहुत बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आएगा। मिक्स करने के बाद हम हाथों को 1-2 बूंद घी से ग्रीस कर लेंगे। ऐसा करने से मिश्रण हाथों से ज़्यादा नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेकर अपनी पसंद के किसी भी शेप में मिठाई को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं मिठाई को सिलेंड्रिकल शेप में बना रही हूँ इस प्रकार से। मिठाई को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए हम इसमें चांदी का बरक या डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर में इस प्रकार लपेट लेंगे। आप इसे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी आपका मन है उसी प्रकार से आप इसे डेकोरेट कर लीजिए। अपने मनचाहे शेप में सारी मिठाई को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आपने देखा कि मिठाई को कम चीजों से कम समय में कितनी इजीली हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे या यकायक कोई मेहमान आए तो आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। ये मिठाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनती है, मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप इस मिठाई को घर पर जरूर बनाएं, ये सभी को बेहद पसंद आएगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, घंटी बजाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।